साथियों, भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। अब ज्यादातर घरों में स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होता है। भारत के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल पर सीएनजी और एलएनजी को अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। साथियों, ग्रीन ग्रोथ की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी एक तरह से हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है। रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा है। आज इसका ही एक उदाहरण हमें यहां अभी देखने को मिला है। प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है, फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा। ये मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी मजबूती देगा, जिसकी दुनिया को आज बहुत आवश्यकता है। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तय किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों से भारत इस सद्भावना को दुनिया में मजबूत करना चाहता है।